नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु और मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, 8 सितंबर तक रहेंगी। दोनों देशों के बीच हो सकते हैं 7 समझौते। कनाडा में दो ग्रुप में हुई लड़ाई, 10 की मौत। धारदार हथियारों से एक दूसरे पर किया हमला, 15 घायल। ब्रिटेन में बिजली संकट गहराया, अब रेस्टोरेंट जैसे छोटे कारोबार पर तालाबंदी की नौबत। घरों के बिजली बिल 80% बढ़ सकते हैं। अमेरिका में 1.2 करोड़ के स्टूडेंट ने लिया लोन, फिर भी ग्रेजुएट नहीं। कर्ज माफी योजना लागू होने से कम होगा इनका बोझ। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दे रही है जापान सरकार, अब भी फ्लॉपी डिस्क का चलन। सरकार बोली, नई तकनीक अपना इस्तेमाल पर रोक। एमएसओ ने विश्वास मत जीता, झारखंड विधानसभा में बोली, आंदोलनकारी का बेटा डरने वाला नहीं। बेंगलुरु में भारी बारिश का कहर, बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जाम, सड़कों पर नाव चली। एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसी स्थिति बनी। ओणम सेलिब्रेशन का वीडियो हुआ वायरल, मल्लापुरम में मुस्लिम छात्राओं ने किया डांस। कासुगुड़ा स्कूल में ऐसा करने पर रोका, कहा शर्म नहीं आती। कंगना रनावत ने महेश वेट का असली नाम बताया, असलम बोली, वह अपना खूबसूरत नाम और पहचान क्यों छुपा रहे हैं। गुजरात में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोली सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर 500 रुपए में दूंगा। काबुल में रूसी इमरजेंसी से बाहर धमाका, 2 अधिकारियों समेत 20 लोगों की मौत। लद्दाख में बनेगी देश की पहली नाइट स्कैम सेंचुरी, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का नया प्रोजेक्ट। साधु सिंह धर्मसोत को हाई कोर्ट से जमानत मिली, जमानत घोटाले में जेल में बंद पूर्व कांग्रेसी मंत्री। क्रिकेटर की ट्रॉलिंग, पंजाब के खेल मंत्री हर्षदीप मां से बात की, बोली जिन्हें कभी बैट नहीं पकड़ा वह ट्रॉल कर रहे हैं। लालू को सजा सुनाने वाले जज की दूसरी शादी, 59 साल के जज को 9 साल छोटी वकील से हुआ प्यार, बंधन में बंधे। टीचर्स डे पर पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा, यूजीएससी में 7वीं स्कूल लागू किया, गैस फैकल्टी टीचर्स की भर्ती को मंजूर। एमपी में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड होंगी, स्कूल शिक्षा मंत्री परमार में भोपाल में की घोषणा, निजी सरकारी अभी स्कूल में लागू होगा फैसला। मंत्री प्रेम सिंह के बेटे के लिए लगे जूते मारो के नारे, बड़वानी में जिप अध्यक्ष बलवंत सिंह का विरोध, पूर्व मंत्री के समर्थन में काफिला रोका गया। नीतू रणवीर ने किया गणपति बाबा का विसर्जन, विधि विधान से पूजन किया, कपूर खानदान की बहू आलिया भट्ट ने नजर नहीं आई। केआर के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार, 2019 में दर्ज हुआ था मामला, विवादित ट्वीट मामले में 14 दिन न्यायिक हिरासत में। सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनसेतु, जनसे सरोकार।